रेडी स्टार्ट। हर वर्ष जल के भयानक रौद्र रूप देश के कई राज्यों को मुसीबत में डाल देता है। देश के अनेक राज्यों में जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरांचल और उत्तराखंड आदि में हर वर्ष मानव अपनी जान बचाने को तरस गया है। इसी तरह भूकंप के झटके कई प्रदेशों में जनहानि तथा मालहानि की विराट समस्या पैदा कर देता है। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और जमीन में मकानों के बेतरतीब अनियंत्रित निर्माण ने ऐसी स्थिति पैदा की है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम वर्षों पुराने हैं और अब लगभग असफल हो चुके, जिसके फलस्वरूप जल का बहाव अनियंत्रित होकर शहरों के लिए विभीषिका बनकर टूट पड़ता है। देश में लगभग बाढ़ के प्रकोप से 1000 लोग प्रतिवर्ष काल कवलित हो जाते हैं। हमें कब समझ में आएगा और हम कब अपनी इन हरकतों से बाज आएंगे? ग्लोबल वार्मिंग तथा अप्राकृतिक उष्णता के अनेक प्रभाव अब धरती, नदियों, पहाड़, पेड़ एवं मानव जाति पर बेहद चिंताजनक रूप में दिखाई देने वाला है और निस्संदेह यह प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी तथा अप्राकृतिक दोहन के फलस्वरूप होने वाला है। जब हम अपने विकास का इतिहास देखते हैं तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान हमारे संसाधनों का प्रकृति का अंधाधुंध दोहन होता रहा है। आज़ादी हमें मिली है, यानी कि मानव को, परंतु प्रकृति आज़ादी से अछूती रही है। अमूमन हमारी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान और जल की थी कि हमको उद्योग धंधे का विकास तीव्र गति से करना पड़ा। मशीनें जितनी बड़ी से बड़ी होती गई, आदमी उतना ही बौना होता गया। कृषि में नई नई तकनीक, ट्रैक्टर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि बंजर होकर करहाने लगी। विकास का सही मायने माननीय शक्तियों के साथ ऊर्जा और उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य का सही उपयोग ही होगा। जब से हमने विकास के पथ पर उड़ान भरी है, उद्योगों की चिमनियों को ऊपर उठाया, मोबाइल क्रांति का बटन दबाया, ईमेल पर सवार होकर विश्व संदेश को सुना, तब से हमारे झरनों का कल स्वर और संगीत बंद हो गया। पक्षियों का कलरव बंद हो गया, पक्षी अब चित्कार कर रहे हैं। नदी नाले सूख कर मृत प्राय हो गए हैं। समुद्र की लहरों की झंकार विलुप्त हो गई है और पानी खारा और खारा हो गया है। अब हमें यह सोचना है कि विकास के नाम पर हमें ग्रीन इंडिया चाहिए या इंटरनेट की सवारी कर डिजिटल इंडिया चाहिए।
बच्चों की झोली में इंटरनेट को डालकर डिजिटल जेनरेशन का सपना देखना चाहिए या प्रकृति की गोद में सुगंधित वायु की लहरों में खो जाना चाहिए। झरनों में बैठकर नौका विहार का आनंद लेना चाहिए या कंप्यूटर में बैठकर नेट खोलकर नन्हे मुन्ने की आँखों पर जोर डालकर उन्हें चश्मा वाला बनाना चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान यानी कि ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया का सपना नदी के दो कभी ना मिलने वाले किनारे हैं। विकास के नाम पर असीमित उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई है, भूमि समाप्त हो रही है, साथ ही हमारी वायु विषैली हो गई है। रात में शहरी मकानों में बिजली के झालरों के सामने आकाश में रात्रि के तारों की चमक फीकी पड़ गई है। जंगलों को हम ऐसे साफ करते गए जैसे सड़क पर रोड रोलर चला रहे हैं। नगर बने, महानगर बने, मकान बने, किंतु अब घर गायब होते गए। हमें तब सुध आई जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमें विकास के नाम पर मानव सभ्यता से जुड़ी जमीन, पानी, हरियाली, पक्षी, जानवर सब चाहिए, केवल अंधाधुंध कंक्रीट का विकास या इंटरनेट की रफ्तार नहीं चाहिए। इसके लिए हमें संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश लगाना होगा। संसाधनों का इस्तेमाल अतिरेक में नहीं होना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर पवन, बायोगैस, ज्वार तरंग लहरों को ऊर्जा का आधार बनाना होगा।